ये ऑलमोस्ट 8.5 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम है, वाइड स्क्रीन है, याद रखिए ये वाइड स्क्रीन सिस्टम है, तो ये ना लुक को भी बहुत ज़्यादा एनहांस कर देगा आपके कार पे। आज का जो वीडियो है ये उनके लिए जो एक प्रीमियम प्रोडक्ट चाहते थे। इसके पहले मैंने एक इंफोटेनमेंट सिस्टम दिखाया था पोर्टेबल, जो अराउंड 5,000 रुपीज का था, बजट वाला था। ये प्रीमियम वाला सिस्टम है विद बेटर डिस्प्ले रेजोल्यूशन, तो इसको अनबॉक्स करेंगे, कार में फिट करेंगे और आपको मैं बताऊंगा कि ये कैसा सिस्टम है, कितना क्लियर और क्या फीचर्स के साथ आता है। तो देखिए बॉक्स से हम शुरू करते हैं। बॉक्स का पैकिंग इट्स फाइन, मैं ये नहीं बोलूंगा कि इट इज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, बट व्हाट मैटर्स इसके अंदर का जो प्रोडक्ट है वो किस तरह से परफॉर्म करता है, दैट इज व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो वो अभी हम चेक करते हैं। आपको मैं बताता हूँ बॉक्स में क्या क्या मिलता है आपको। एक यहाँ पे एक हाई क्वालिटी वाला केबल मिलता है जिसमें आपको 3 पोर्ट मिलता है, 3 नहीं भाई 4 मिलेगा। यहाँ पे आपको एक टाइप ए का पोर्ट है, टाइप सी है, 3.5 mm का जैक है और ऑक्स केबल के लिए भी एक पोर्ट है। ये बहुत लंबा सा केबल है, बहुत अच्छे क्वालिटी का है, मच बेटर देन व्हाट वी रिसीव्ड इन दी ओल्ड प्रोडक्ट। यहाँ पे आपको एक ये कनेक्टर मिलता है, इसको कैसे कनेक्ट करके और विंडशील्ड में अटैच करना मैं आपको बताऊंगा, बहुत ही सिंपल है। फिर एट दी एंड बॉक्स के अंदर ये प्रोडक्ट मिलता है आपको, एक वाइड इंच का डिस्प्ले है, बहुत ही वाइड है, इसका बिल्ड क्वालिटी भी जो है इज़ वेरी गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको बिल्ड क्वालिटी को लेके। और ये जो वाइड स्क्रीन का सबसे बड़ा फायदा है कि आपको ज़्यादा रियल एस्टेट मिलता है, यू विल ऑलवेज हैव द ऑप्शन टू स्प्लिट योर स्क्रीन, तो ये बहुत बढ़िया चीज़ है। अभी जैसे वो बता रहे थे ये 1080p का डिस्प्ले, फुल HD है, 60 फ्रेम्स पे चलेगा ये, तो वो अभी हम टेस्ट करेंगे। इसको कैसे फिट करना मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे एक और हुक मिलता है आपको, ये जो लॉक है ये छोटा सा लॉक मिलेगा आपको, सिंपल सा है, इसको यहाँ पे आपको अटैच करना है। यहाँ पे ये जो आपको मिलता है इसको, ये जो क्लोज्ड एरिया जो दिख रहा है वो आपको अंदर की तरफ ऐसे डाल के पुश करना है, ये बैठ जाएगा अंदर। फिर उसके बाद ये जो रॉड दिया है इन्होंने, इसको यहाँ पे ऐसे करना है, इसको घुमाना है इस तरह से, अब जैसे यहाँ पे घुमा सकते हो इसको, फिर इसको अंदर की तरफ डालना है, यहाँ पे इसको ऐसे करके ऐसे पुश करने के बाद इसको लॉक करना है इस तरह से, ये लॉक हो गया है। बस अभी आप इसको जैसे आपको चाहिए इसको रोटेट कर सकते हो, काफी सिंपल है। इसको आपको अगेन इस पे पुश करना रहेगा एंड दैट्स अबाउट इट। को बेसिकली कुछ नहीं करना है, अभी यहाँ पे जहां पे भी आपको अटैच करना है उसको ऐसे करके हुक कर देना है बस, और ये आपका फिक्स हो गया है सिस्टम। तो ये जो है बहुत सिंपल है इसको फिक्स करना, इसको आप टाइट करोगे आपके हिसाब से, आप कहीं भी लगा सकते हो इसको। तो ये जो यूनिट है बहुत ही बढ़िया लग रहा है कार पे। अभी हम इस टाइप सी केबल को इसके साथ कनेक्ट करते हैं, आप कोई भी टाइप सी केबल उठा के इसको कनेक्ट कर सकते हो, यू विल नॉट हैव एनी इश्यूज। तो यहाँ पे पोर्ट दिया गया है, चलो कनेक्ट हो गया है, अभी ये प्रोडक्ट ऑन हो चुका है। कनेक्ट आईफोन, कनेक्ट एंड्रॉयड और आप वाईफाई के थ्रू एयरप्ले का भी ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है। सेटिंग्स की तरफ अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे सेटिंग्स अवेलेबल है। आप सिस्टम की तरफ जाते हो तो यहाँ पे आप लैंग्वेज, डेट और टाइम सेट कर सकते हो। ब्लूटूथ में आपके जो ब्लूटूथ का जो नाम है इसका जो सिस्टम है, आपको वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले मिलता है, सो ब्लूटूथ जरूरी है, तो यहाँ पे वो आपको बताएगा। ऑटो कनेक्ट का भी ऑप्शन है। दूसरा है यहाँ पे डिस्प्ले, डिस्प्ले को आप कंट्रोल कर सकते हो, ये ऑटोमेटिक ऑटो ब्राइटनेस का डिस्प्ले है, यूजुअली जो हमें नहीं मिलता इंफोटेनमेंट सिस्टम में वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। इवन नाइट शिफ्ट का ऑप्शन मिलेगा, जिनको आई स्ट्रेन का इशू है, वो थोड़ा सा सॉफ्टर कलर्स देखना चाहते हैं तो उनको वो ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। उसके साथ साथ यहाँ पे साउंड को भी आप मैनेज कर सकते हो, नेविगेशन का कितना वॉल्यूम होना चाहिए, मीडिया का कितना वॉल्यूम होना चाहिए। ड्यूअल ब्लूटूथ का ऑप्शन मिलता है, मतलब आप जो गाना बजाओगे कार में वो आपके कार के स्पीकर्स थ्रू ही प्ले होगा। यहाँ पे FM का भी ऑप्शन मिलेगा आपको और वाईफाई स्विच का ऑप्शन मिलता है एंड यहाँ पे अबाउट है प्रोडक्ट का। तो अभी क्या करेंगे, इसके फ़ोन को हमारे एंड्रॉयड डिवाइस के साथ कनेक्ट करेंगे। आपको ब्लूटूथ पे जाना है, ब्लूटूथ में जाने के बाद आपको आपके डिवाइस को सर्च करना है। यहाँ पे आ गया है कार BT, कार BT पे क्लिक करना है, पेयरिंग पे जाएगा, आपको पेयरिंग रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करते ही आपको थोड़े टाइम के लिए वेट करना होगा, यहाँ पे एंड्रॉयड ऑटो इस कनेक्टिंग आ गया है तो थोड़ा सा वेट कर लेंगे। अभी जैसे आप देख सकते हो एंड्रॉयड ऑटो ऑलरेडी कनेक्ट हो चुका है, सो द कनेक्शन इज़ वेरी क्विक, बहुत ही जल्दी कनेक्ट हो जाता है विदाउट एनी इश्यूज। और जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन मिलता है आपको हमेशा, जो सिस्टम है ये काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है,
एंड द डिस्प्ले इज फैंटास्टिक। आई थिंक इस टाइप के सिस्टम आपको यूजुअली हम कार्स के स्टॉक इंफोटेनमेंट सिस्टम में नहीं मिलता है। इसका रेजोल्यूशन बहुत ही बढ़िया है। सो दिस इज समथिंग दैट यू विल एंड अप लाइकिंग। रियली रियली नाइस रेजोल्यूशन, डिस्प्ले इज रियली गुड। उसके साथ ये जो वाइड स्क्रीन का ऑप्शन है ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको दो एप्लीकेशंस लाइक स्प्लिट स्क्रीन जो हम छोटे इंफोटेनमेंट सिस्टम्स में नहीं मिलता वो आपको इसमें मिलेगा। सो ये जो प्रोडक्ट है आई थिंक थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। इफ़ यू सी कि इसका जो प्राइसिंग है क्लोज टू 20,000, अगर आप कोई प्रीमियम प्रोडक्ट लेना चाहते हैं और कोई प्रीमियम कार पे ये फिट करना चाहते हैं तो वो ज़रूर कर सकते हैं। मे बी अगर आप जैसे एलिवेट ले रहे हो और मे बी बेस मॉडल या बेस के ऊपर वाला मॉडल ले रहे हो, होंडा का इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको ऑलरेडी मिल रहा है और उसको आप हटाओगे तो इट्स योर लॉस एनीवेज, तो आप इस सिस्टम की तरफ जा सकते हो। अभी जल्दी से हम कारप्ले पे जाएंगे, कारप्ले आपको मैं कनेक्ट करके बताऊंगा कि किस तरह से दिखता है और कितना जल्दी कनेक्ट होता है वो भी हम टेस्ट करके आपको बताएंगे। अभी हम आईफोन को कनेक्ट करेंगे। मेरे पास आईफोन 13 प्रो है, सो इसको कनेक्ट करने के लिए प्रोसेस इज वेरी सिमिलर। तो ये जो प्रोसेस है इसमें आपको बेसिकली सेटिंग्स पे जाना है। सेटिंग्स पे जाते ही आपको अगेन ब्लूटूथ पे जाना होगा। ब्लूटूथ पे जाने के बाद आपको सेम ये जो डिवाइस है इसको सर्च करना होगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हो आप ये आ चुका है कार बीटी, तो इसको मैं अगर सिलेक्ट करूँगा तो यहाँ पे पेयरिंग रिक्वेस्ट आ चुका है, पेयर किया मैंने। अलाउ कॉन्टैक्ट सिंग्स दे दीजिए, तो यहाँ पे आ गया है यूज़ कार प्ले विथ कार एबीसी। तो यहाँ पे मैं यूज़ कार प्ले एबीसी क्लिक कर देता हूँ, लेट्स सी कितना जल्दी आने लगता है। तो यहाँ पे हम जैसे देख सकते हैं कार प्ले कनेक्टिंग आ रहा है, तो ये कनेक्ट हो चुका है। तो अगर हम होम पेज पे जाते हैं एज यू कैन सी इसका कारप्ले का इंटरफेस आ चुका है। इट लुक्स रियली नाइस। आई थिंक कारप्ले पे तो और भी बढ़िया लगता है क्योंकि आई थिंक जो वॉलपेपर और जो भी कलर्स यहाँ पे आपको मिलता है इट लुक्स रियली नाइस। सो वेरी वेरी नाइस स्क्रीन, स्पेशली इसका जो रेजोल्यूशन है आपको इस पर पता चलता है कारप्ले, जब आप इसको कारप्ले को चलाते हो इट लुक्स रियली नाइस। यहाँ पे मैप्स आपको दिखाई देता है। सो बहुत ही स्मूथ है, बिल्कुल भी लैग नहीं है सिस्टम में, इट लुक्स रियली नाइस एज वेल। तो ये जो वाइट स्क्रीन है वो भी ना बहुत बढ़िया लगता है, कार पर भी फिट करता है तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो जैसे इंफोटेनमेंट सिस्टम है ये वाला स्टॉक इंफोटेनमेंट सिस्टम, अब ये थोड़ा सा आउटडेट हो चुका है बट आपको पूरी तरह से इसको चेंज करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। आफ्टर मार्केट में वायरिंग सब करना नहीं पड़ेगा, यू कैन स्टिल मेंटेन द ओरिजिनल लुक ऑफ द कार विद द सेम स्टॉक इंफोटेनमेंट सिस्टम और ये आप इजीली फिट कर सकते हो। ये ऑलमोस्ट 8.5 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम है, वाइट स्क्रीन है, याद रखिए ये वाइट स्क्रीन सिस्टम है। तो ये ना लुक को भी बहुत ज़्यादा एनहांस कर देगा आपके कार पे। आप ऐसे प्रोडक्ट्स इनके वेबसाइट में भी चेक कर सकते हो, इनके पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। दिस प्रोडक्ट इज नॉट स्पॉन्सर्ड और दूसरी बात है मुझे कोई एफिलिएट इसमें नहीं मिल रहा है। ये प्रोडक्ट मुझे बहुत अच्छा लगा एट दिस प्राइस, इसलिए मैं रेकमेंड कर रहा हूँ। अगर ये आपके लिए थोड़ा एक्सपेंसिव है तो आप दूसरा वाला वीडियो देख सकते हो जहाँ पर मैंने इंफोटेनमेंट सिस्टम को आपको एक इंफोटेनमेंट सिस्टम बताया जो ऑलमोस्ट 5,000 रुपीज़ का है, बहुत अच्छे क्वालिटी का है वो भी। इनफैक्ट मुझे वो बहुत ज़्यादा पसंद आया फॉर दैट प्राइस। ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है बट जो प्रीमियम प्रोडक्ट चाहते हैं वो इसके तरफ ज़रूर जा सकते हैं। अगर आपको होम स्क्रीन पे आना है तो आप बेसिकली होम स्क्रीन में आ सकते हो। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे आपको कार दिखाई दे रहा है, तो उस पर आप क्लिक करोगे तो बेसिकली आपको ये होम स्क्रीन पर लेके जाएगा। होम स्क्रीन की बात करें तो यहाँ पे आपको ये तीन बटन्स यहाँ पे दिखाई देता है। ये मुझे बहुत क्लीन लगा, ये कोई टिपिकल चाइनीज वाला सिस्टम जैसा नहीं लगता है और जो मैं आपको ऑप्शंस बताया वो भी यहाँ पे आपको मिल जाता है। सो आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड सिस्टम। जो साउंड क्वालिटी है वो भी बढ़िया रहेगा, यू विल नॉट हैव अ प्रॉब्लम। सेम जो साउंड क्वालिटी आपको कार में ऑफर कर रहा था विद द सेम स्पीकर, उसी तरह का साउंड क्वालिटी आएगा क्योंकि जो आउटपुट है वो इंफोटेनमेंट सिस्टम के थ्रू ही आएगा। सो अगर आप इस प्रोडक्ट के बारे में और कुछ जानना चाहते हो तो जरूर आप मुझसे पूछ सकते हो कॉमेंट सेक्शन में बता के। Until then, we'll meet next time. But ऐसे products के बारे में आप जानना चाहते हो तो मेरे चैनल में आप जा सकते हो या comment section में आप request कर सकते हो, उसमें मैं video ज़रूर बनाऊंगा। Hope you had a good day. Thank you so much for watching this video. फिर से मिलेंगे, take care, always drive safe, wear your seat belt. Bye-bye.